नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं संजीव, आप देख रहे हैं न्यू टेक एंड ट्रिक्स। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं बड़ौदा एम कनेक्ट में आने वाले एरर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जो मोबाइल बैंकिंग है उससे हम लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें एक मैसेज मिल रहा है, नो अकाउंट्स फाउंड। तो अगर इस तरीके का कभी आपको मैसेज अगर आपकी मोबाइल बैंकिंग में मिलता है, जिसे हम एम कनेक्ट बोलते हैं, तो आपको करना क्या है, चलिए एक चीज़ और यहाँ पे आपको दिखाते हैं। अगर हम अकाउंट पर क्लिक करते हैं तब क्या मैसेज मिलता है। तो हमने अकाउंट पर क्लिक किया तब भी देखिए यहाँ पर हमें एक मैसेज मिल रहा है जिसमें लिखा हुआ है अकाउंट डिटेल्स नॉट फाउंड। अगर आपको इस तरीके का मैसेज मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका अकाउंट है वो डीलिंक हो गया है। तो जब डीलिंक हो जाता है अकाउंट आपके मोबाइल बैंकिंग से या कहें एम कनेक्ट से, तो इस तरीके की जो मैसेज है वो आपको शो होएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि आपको करना क्या है, आपको इसके लिए आपको पहले सबसे पहले आपको जो अपनी मोबाइल बैंकिंग है जिसे हम बड़ौदा एम कनेक्ट बोलते हैं, तो इसे हमें सबसे पहले डी रजिस्टर करना पड़ेगा। डी रजिस्टर करने के लिए आप अपनी ब्रांच में जाके करा सकते हैं इसे, या फिर एटीएम से, या फिर आप इसे अगर आपके पास में नेट बैंकिंग है तो उसका यूज़ भी आप इसे डी रजिस्ट्रेशन के लिए कर सकते हैं। और उसके जब आप डी रजिस्टर कर देंगे तो अगर आप यूज़ आगे भी करना चाहते हैं अपने एम कनेक्ट को, तो आपको उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो चाहे आप उसे एटीएम से, या फिर नेट बैंकिंग, या फिर अपनी ब्रांच से उसे दोबारा से रजिस्टर कराना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर कराएंगे तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, मोबाइल नंबर जो आपने अपनी ब्रांच में रजिस्टर कराया है, उस पर आपको एम पिन मिलेगा। उस एम पिन का यूज़ करते हुए आपको दोबारा से जो आप अभी इस समय जो आपने एम कनेक्ट को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करा हुआ है उसे आपको अनइंस्टॉल करना है, और नया ऐप एम कनेक्ट का आपको इंस्टॉल करना है, और अपना जो मोबाइल बैंकिंग उसे आपको एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए आप पहले कर चुके होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आपको जो एप्लीकेशन पासवर्ड सेट करना पड़ता है और अपनी जो एम पिन उसे चेंज करना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।